लॉर्ड सिल्वन, नाया जैक्स और रूबी राइट की वापसी को लेकर आई बड़ी अपडेट। रॉ की व्यूअरशिप आई है सामने, हुआ है बड़ा नुकसान। केविन ओवंस अगले हफ्ते फिर से पिटने वाले हैं, साथ ही साथ क्या डीन एम्ब्रोस देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल 2020 के अंदर, जानेंगे आज किस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस, आज की ये वीडियो होने वाली है काफी धांसू, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम कई ऐसी खबरें कवर करेंगे जो कि काफी इंफॉर्मेटिव है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाया जैक्स के रिटर्न की। तो नाया जैक्स जो है वो ACL इंजरीज के चलते WWE से गायब थी और अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आज से एक हफ्ते पहले हमने एक क्लिप देखी जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने डाली रखी थी, और उसके अंदर दोस्तों वो परफॉर्मेंस सेंटर में जमकर पसीना बहा रही है। लेकिन दोस्तों बात की जाए उनके ऑफिशियल रिटर्न की, तो गाइस वो हमें देखने को मिलेगा रॉयल रंबल 2020 के अंदर। रिपोर्ट्स की माने तो नाया जैक्स की इंजरी में काफी हद तक सुधार आ चुका है और वो लगभग तैयार है अपने रिटर्न को। ऐसे में दोस्तों एज ए सरप्राइज एंट्रेंट WWE उन्हें डालने वाला है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए रूबी रायट की, तो रूबी रायट जो है वो शोल्डर इंजरी के चलते WWE से गायब थी और काफी समय तक हमने उन्हें नहीं देखा। इसी बीच उनका रायट स्क्वाड जो है वो टूट चुका है। अब बात की जाए उनके रिटर्न की, तो उनका रिटर्न भी दोस्तों आपको रॉयल रंबल 2020 यानी कि 26 जनवरी को देखने को मिलेगा। वहीं बात कर ली जाए अब अपने लॉर्ड सिल्वन की, तो गाइस लॉर्ड सिल्वन WWE के एक ऐसे मॉन्स्टर जो कि ऐसा डेब्यू किए थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नेक्स्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन होंगे, लेकिन WWE से गायब हो जाते हैं। वो भी दोस्तों इंजर्ड बताए गए थे और अभी तक हमने उनका रिटर्न नहीं देखा है। उनका रिटर्न दोस्तों आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला, और उनका रिटर्न आपको देखने को मिलेगा स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स में, क्योंकि जो डेट बताई जा रही है वो है जून 2020 की। तो गाइस वो रॉयल रंबल में नहीं आ पाएंगे, वो शायद से रेसलमेनिया के अंदर भी नहीं आ पाएंगे, वो आपको दोस्तों मनी इन द बैंक या फिर स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। पर गाइस अब हम चलते हैं सेकंड न्यूज के ऊपर। तो गाइस आज के हमारे जो सेकंड न्यूज जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो कल की रॉ दोस्तों काफी घटिया थी, इतनी घटिया थी दोस्तों कि उसका प्रभाव WWE के साथ पूरी की पूरी रेसलिंग कम्युनिटी के ऊपर भी पड़ा है। बात की जाए दोस्तों उस रॉ की, तो रॉ के अंदर कुछ भी खास नहीं था। मेन इवेंट जहां हमें AJ स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन के मध्य अच्छा सा देखने को मिला, लेकिन उसका भी फायदा WWE को नहीं पहुंचा, और यहां दोस्तों बहुत बड़ा डिक्रीज पाया गया है। जहां दोस्तों बीते हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप मापी गई थी 2.1 मिलियन, वो घटकर अब 2 मिलियन रह चुकी है। तो यहां दोस्तों WWE अगर ऐसा करता रहता है कंटिन्यूअसली तो ये 2 से भी नीचे आ जाएगी, और उसके बाद दोस्तों विंस मैकमैन के कान खड़े हो जाएंगे और बहुत कुछ हमें ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो होप करते हैं दोस्तों कि अगले हफ्ते कुछ खास हो और व्यूअरशिप में एक बड़ा उछाल आए। अब अगले हफ्ते की बात लगी है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगले रॉ की टेपिंग्स जो है वो हो चुकी है लीक, और उसके अंदर केविन ओवंस बहुत गंदे पिटे हैं। तो आप जानते हैं कि केविन ओवंस अभी बाहर क्यों है, क्योंकि दोस्तों सेथ रॉलिंस ने उन्हें कंक्रीट फ्लोर के ऊपर लगाया था, कर्ब स्टॉम्प और वो लगाया था TLC से पहले। लेकिन अगले हफ्ते दोस्तों हमें केविन ओवंस की वापसी देखने को मिलने वाली है। केविन ओवंस अपना रिटर्न वहां रॉ की शुरुआत में ही कर देंगे, जहां दोस्तों हमें उनका एक मैच देखने को मिलेगा जो कि सेथ के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं होने वाला, वो होने वाला है मोजो राउली के खिलाफ, और वो एक स्ट्रीट फाइट होगी यानी कि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। उस मैच के अंदर दोस्तों हमें क्या थिंक देखने को मिलने वाली है कि जो केविन ओवंस है वो पावर बॉम्ब जड़ेंगे मोजो राउली को, टेबल के ऊपर टेबल जाएगा टूट, जिसके चलते उनकी हो जाएगी पिन। वहां दोस्तों जीत होने वाली केविन ओवंस की, लेकिन उसके बाद उनकी गंदी पिटाई होने वाली है। तो उसके बाद क्या होने वाला है कि वो दोस्तों कॉल आउट कर देंगे AOP और वहां सेथ रॉलिंस को। अब आप जानते हैं AOP और सेथ रॉलिंस जब एक साथ होते हैं तो क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन मचाते हैं। वहां आकर वो पिटाई कर देने वाले हैं केविन ओवंस की। तो केविन ओवंस फिर से पिटने वाले हैं, और साल का अंत दोस्तों उनकी पिटाई के साथ ही होगा। अब गाइस केविन ओवंस का आगे जाकर क्या होता है, यानी कि अगले साल क्या होता है, वो तो अगला साल ही बताएगा। बट गाइस अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस आज की हमारी जो मेन खबर जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस से। तो गाइस डीन एम्ब्रोस के ऊपर अभी कोई भी रूमर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले कुछ एक हफ्तों में काफी ज्यादा रूमर्स फैल जाएंगे कि डीन का रिटर्न होने वाला है
रॉयल रंबल 2020 के अंदर। बट गाइस उन रूमर्स को पहले किल कर देते हैं और बता देते हैं, क्या ये थिंग पॉसिबल है? क्या डीन, जो कि WWE को इस बात को लेकर छोड़कर गए थे कि उनकी बुकिंग अच्छी नहीं हो रही है, वो लौटने वाले हैं? तो गाइस जवाब है जी नहीं, क्योंकि हाल ही में WWE ने ऐसा ही कारनामा कर दिया जिससे साफ होता है कि WWE का नजरिया भी वैसा ही हो चुका है जैसे कि मॉक्सली का। अब हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। WWE वालों ने अपने चैनल यानी कि YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की बीते कल, और उसके अंदर दोस्तों उन्होंने टॉप 10 लिस्ट जारी की है उन रेसलर्स की जिन्होंने अपना डेब्यू किया इस पूरे दशक में, यानी कि दोस्तों 2010 से लेकर 2020 तक। और इसके अंदर दोस्तों हमें बहुत से सुपरस्टार्स के डेब्यू देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेक्सस, वहां AJ स्टाइल्स का देखने को मिलता है। और दोस्तों वहीं नंबर 4 के ऊपर जो हमें देखने को मिलता है वो था द शील्ड का डेब्यू रायबैक के खिलाफ हुआ था, जहां रायबैक को कूटे थे अपने डेब्यू के अंदर। वहां हमें ये चीज देखने को मिली है कि जो WWE वाले हैं वो क्लिप को एडिट कर दिए हैं और एम्ब्रोस का नाम वहां मेंशन नहीं होता है जब पावर बॉम्ब लगाते हैं द शील्ड के मेंबर्स। वहां दोस्तों रॉलिंस का नाम लिया जाता है, रोमन का नाम लिया जाता है, लेकिन जानबूझकर WWE वालों ने वहां एडिट कर दिया है डीन एम्ब्रोस का नाम। तो साफ सी बात है कि WWE वाले भी अब उन्हें क्रेडिट नहीं देना चाहते। बात की जाए रॉयल रंबल की और डीन के कॉन्ट्रैक्ट की, तो हाँ AEW के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहा कि अगर वो चाहे तो AEW को साल के अंत में छोड़ सकते हैं, बट जैसा दोस्तों WWE का रवैया है और जैसा दोस्तों डीन की बुकिंग चल रही है AEW में, मुझे नहीं लगता वो रॉयल रंबल के अंदर आने वाले हैं। पर गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ बखैर।